साथियों कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आज आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर हाजिर हूं। वो वीडियो है आज़ाद हिंद फौज का नायाब हीरा कैप्टन मोहनलाल कुरील। तो जो मोहनलाल कुरील जी थे वो उन्होंने आज़ाद हिंद फौज में जो उन्होंने काफ़ी वक्त किया काम किया। तो कैप्टन मोहनलाल कुरील जी का जन्म कोहार यानी जो आपकी पाकिस्तान में है सन 1910 में हुआ। आपके पिता का नाम मनुआ राम था। आप एक आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी थे। उच्च शिक्षा के लिए आपको लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज में भेजा गया, लेकिन कुछ अपरिहार्य कारणों के बीच में पढ़ाई जो है बीच में ही छोड़कर आप अपने पिता के साथ पंजाब वापस चले गए। कुछ समय बाद वहीं आप फौज में भर्ती हो गए। आप चमार रेजिमेंट में थे, लेकिन अंग्रेज़ों से विद्रोह करके साथी सैनिकों सहित आज़ाद हिंद फौज में शामिल हो गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपको अपना दाया हाथ मानते थे। आप 1939 से 1945 तक आज़ाद हिंद फौज में कैप्टन के पद पर रहे। आपके अनेक युद्धों में भाग लेकर अपनी वीरता का लोहा मनवाया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अन्य सैनिकों सहित आप भी बंदी बना लिए गए। आज़ादी के बाद आपको रिहा कर दिया गया। आप उन्नाव जनपद चले आए। वापस आने पर उन्नाव में इनका जगह जगह स्वागत हुआ। कुछ समय आप सुभाष इंटर कॉलेज में अध्यापक रहे। 1952 में आपने विधानसभा का चुनाव लड़ा और सफीपुर सीट से जीते। आप चमार समाज का गौरव थे। हर पल समाज सेवा के लिए आप तत्पर रहते थे। आपके पुत्र एक पुत्र शिवलोचन था, दो पुत्रियां सरला और शकुंतला हैं। तो ये थे हमारे जो है कैप्टन मोहनलाल कुरील जी, जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज में बड़ा काम किया और आगे उन्होंने बढ़ाने का बड़ा ही प्रयास किया।